पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव प्रवक्ता जो प्रताप प्रधानी से गिरफ्तारी हुई है, उनकी पार्टी ने निर्णय लिया है कि उनको तत्काल प्रभाव से अपने पद से मुक्त किया जाता है। राष्ट्रीय प्रधान महासचिव के रूप में श्री राजेश कुमार पांडे जी को नियुक्त किया गया है। जैसा कि पार्टी के संज्ञान में आया था कि उनको राहत मिली। क्या हो गया? आज नव वर्ष के प्रथम दिवस पे हम लोग पहले इस साल का पहला हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं हिंदुस्तानी युवा मोर्चा की ओर से, और आप सभी को नव वर्ष की शुभकामना देते हुए मैं बताना चाहूंगा कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी ने आज संगठन का एक नया प्रारूप देते हुए राष्ट्रीय प्रधान महासचिव का दायित्व और राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता का दायित्व का एक और प्रवक्ताओं की एक नई सूची जारी की। और मैं बता दूं कि आज हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी ने श्याम सुंदर सरन जी को पार्टी का राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता बनाया है, और क्या आगे की रणनीति होगी और किस के लिए यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है, श्याम सुंदर जी बताएंगे। सारे मीडिया बंधुओं को नमस्कार। हमारी पार्टी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी की तरफ से आप लोगों को नववर्ष की हार्दिक बधाई। आप लोगों से मुखातिब होने का एक पहला तो कारण था कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव तथा मुख्य प्रवक्ता जो थे डॉक्टर दानिश रिजवान साहब, उनके ऊपर कुछ कानूनी आरोप हुए हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है। उसमें पार्टी ने निर्णय लिया है कि उनको तत्काल प्रभाव से अपने पद से मुक्त किया जाता है, पार्टी के सारे पदों से उनको हटाया जा रहा है क्योंकि वो कानूनी शिकंजे में है, तो बाकी चीज़ें बाद में आएंगी। और उसके साथ ही नए प्रधान महासचिव और कुछ प्रवक्ताओं की सूची हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा जारी की गई है, तो उसका लिस्ट आपको देना था कि राष्ट्रीय प्रधान महासचिव के रूप में श्री राजेश कुमार पांडे जी को नियुक्त किया गया है। और जैसा कि हमारे मीडिया प्रभारी जी ने बताया कि मुझे राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया मुख्य, और राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की सूची में इंजीनियर नंदलाल मांझी, श्री शंकर मांझी, श्री शताब्रु राय, श्रीमती पूजा सिंह और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी सह राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री अमरेंद्र कुमार त्रिपाठी जी नियुक्त किए गए हैं। तो आगे से पार्टी के मुद्दों पर आप लोगों को जब भी कोई बात करनी होगी तीन सूची में से लोगों से आप बात कर सकते हैं, पार्टी का पक्ष रखेंगे। नहीं, उस वक्त भी हटाया गया था, जिस समय इल्जाम लगा था उस वक्त भी हटाया गया था, लेकिन फिर जो पुलिसिया तफ्तीश में जैसा कि पार्टी के संज्ञान में आया था कि उनको राहत मिल गई थी और कोर्ट के द्वारा भी बेल मिल गया था, तो फिर उनको